हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में यूजेस ऑफ एसिड्स, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स के बारे में, कुछ एसिड्स कहां कहां किस तरीके से यूज होते हैं सारे देखेंगे। पहले हम बात करते हैं सिट्रिक एसिड की। तो सिट्रिक एसिड्स हमारे क्या है, एज अ प्रिजर्वेटिव तरीके से यूज होता है और फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज होता है, है ना, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड हमारा क्या है, एसिटिक एसिड हमारा यूज करते हैं हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाते हैं हम एसिटिक एसिड का, और विनेगर फॉर्म में हम यूज करते हैं। विनेगर किस तरीके से यूज होता है, फॉर प्रिजर्वेटिंग ऑफ फूड, ठीक है, ये दोनों कॉमन चीज है, लेकिन यहां पर ये चीज अलग तरीके से यूज होती है। क्लियर। हम बात करते हैं बेंजोइक एसिड की। जब भी हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो हम देखेंगे 11th क्लास में, अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो अपना टॉपिक ही देखते हैं। तो बेंजोइक एसिड पर नाम सुन लो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होता है। तो बेंजोइक एसिड एक एरोमेटिक कंपाउंड है जो कि एरोमा के लिए, एरोमा वर्ड से आया है, एरोमा का मतलब होता है खुशबू, है ना, एक प्लीजेंट ऑडर। तो यहां पर ये परफ्यूम्स के लिए यूज होता है। बेंजोइक एसिड किस लिए यूज होता है, परफ्यूम्स के लिए, और मेडिसिन में भी इसको यूज करते हैं। तो ये जो सारे एसिड्स हैं, ये हमारे कौन से एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। कौन से एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, मतलब ये सारे क्या है, ईडेबल, मतलब इसको हम ले सकते हैं, है ना। क्लियर हो रही बात कि नहीं, बॉडी में इसको ले सकते हैं। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो ये हमारे वीक एसिड्स भी कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, वीक एसिड्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड्स की। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में जैसे हम बात करें HCl की, तो HCl हमारा पता है कि पेट के अंदर होता है, गैस्ट्रिक जूस की तरीके से काम करता है, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, है ना, फॉर डाइजेशन। क्लियर, इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर हो रही बात नहीं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं H2SO4, दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमारा बैटरीज में यूज होता है, किसमें यूज होता है, बैटरीज में। क्लियर। फिर हम बात करते हैं ये हमारा बोरिक एसिड है। तो ये किसके लिए यूज होता है, एनामेल बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, और हमारा एक्सप्लोजिव की तरीके से भी ये काम करता है, मतलब यूज होता है इन एक्सप्लोजिव मटेरियल्स बनाने में। क्लियर हो रही बात कि नहीं। तो यहां पर ये मेन मेन यूजेस हैं एसिड्स के, इनऑर्गेनिक एसिड्स और ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। क्लियर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स बोल दो उसको। क्लियर। तो ये फटाफट छाप लो आप लोग कॉपी में। फिर हम लोग देखते हैं आगे बेस का पार्ट, बेसिक पार्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, सारे नोट्स बनाते जाना है आप लोगों को, साथ साथ नोट्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेक्चर में हमने एसिड बेस की थ्योरीज पढ़ी थी, वो तो नहीं गए, तीन टाइप की थ्योरीज थी हमारी। कौन कौन सी, हमारे पानी के प्रेजेंस में एसिडिक थ्योरी, जो एसिडिक और बेस की थ्योरी, आर्किनियस थ्योरी, फिर हमने ब्रॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी पढ़ी थी, फिर हमने लुईस की थ्योरी पढ़ी थी, है ना, ये सारी चीज पता है ना आपको। अब हम देखते हैं बेस क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, बेसिस, एसिड्स और बेस। बेस हमारे क्या होते हैं, ये हमारे बिटर टेस्ट के होते हैं। कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट, बिटर, बिटर का मतलब क्या है, कड़वा, बिटर इन टेस्ट, इससे हम पहचान सकते हैं। अगर हम बात करें इसको इंडिकेटर की तरीके से, हम किस तरीके से देखें, इंडिकेट क्या करेगा ये इंडिकेटर्स में, ये हमारा रेड लिटमस टू ब्लू देगा, रेड लिटमस टू ब्लू। क्लियर, रेड लिटमस टू ब्लू, तो हम पहचान जाएंगे हमारा क्या है, बेस है। क्लियर, तो इस तरीके से हम बेस पहचान सकते हैं। बाकी और भी डिटेल्स हम देखेंगे जब हम पीएच स्केल सीख जाएंगे ना, फिर हम देख सकते हैं कि एसिड बेस के को हम किस किस तरीके से और जान सकते हैं। क्लियर, यहां पर हम इस तरीके से अभी कॉमनली याद कर लो, फिर हम देखेंगे आगे और भी चीजें हम समझते जाएंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं किस तरीके से इसको डिवाइड करें बेस को, है ना, बेस को किस तरीके से डिवाइड करें। अगर हम आर्गेनियस थ्योरी के हिसाब से आए तो कोई कंपाउंड है उसको हमने पानी में डाला, OH आयन उसने दिए उस सॉल्यूशन में, तो वो हमारे बेस होंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से आए तो एच प्लस अगर एक्सेप्ट कर लिया उसने ड्राई कंडीशन में, नाइट्रस कंडीशन में, तो वो हमारा क्या होगा, बेस होगा। लुईस की थ्योरी के हिसाब से आए तो लोन पेयर अगर उसने डोनेट कर दिया तो फिर हमारा वो लुईस बेस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। फिर अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी डिवाइड द टाइप्स ऑफ बेसिस। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस,
टाइप्स ऑफ बेसिस। क्लियर हो रही बात की? टाइप्स ऑफ बेसिस में अगर हम बात करें स्ट्रेंथ, कंसंट्रेशन और एसिडिटी की, तो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ की बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, जैसे हमने एसिड्स को देखा था, क्लियर? डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन और डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी। अब देखो यहां पर सारी चीजें, देखो एसिडिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ओएच रिलीज करना। एसिडिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ओएच रिलीज, क्लियर? दैट इज कॉल्ड एसिडिटी, बेसिसिटी नंबर ऑफ एच प्लस रिलीज। हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, मतलब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब स्ट्रॉन्ग वीक हम कैसे पहचानेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस एसबी और वीक बेस। अब देखो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, हमने पानी लिया, सॉल्वेंट लिया और हमने कंपाउंड को डाला, अगर वो कंप्लीटली आयनाइज होके सारे के सारे जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाए और नंबर ऑफ ओएच आयन हमारे क्या हो, मैक्सिमम ओएच आयन हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, वो हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। सेम एज एसिड्स, वो नंबर ऑफ एच प्लस आयन ज्यादा दे देते हैं, कंप्लीटली आयनाइज, कंप्लीटली अपने मॉलिक्यूल से एच प्लस निकाल देते हैं, है ना। तो सेम चीज फॉर बेस। अब बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे कंप्लीटली ओएच नहीं देते हैं, बेसिकली अगर ये टूट रहे हैं तो वापस भी जुड़ रहे हैं, क्लियर, वापस भी जुड़ रहे हैं, तो ये हमारे वीक बेस हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हमारे कौन कौन से होंगे, जैसे हम बात करें NaOH, है ना, अल्कली मेटल्स। कुछ अभी हम और भी चीज बताने वाले हैं, इससे याद आ गया, तो MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होते हैं, किसमें काउंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस में। क्लियर हो रही बात की? वीक बेस की अगर हम बात करें तो हमारे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये हमारा कुछ लमसम वीक बेस में काउंट हो जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बात, ठीक है, मतलब इसको लिख लेना, विच इज कंप्लीटली आयनाइज एंड गिव्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ओएच आयंस, ठीक है, क्लियर हो बात की? यहां पर इट इज इनकंप्लीटली आयनाइज एंड गिव लेस नंबर ऑफ ओएच आयंस, ये सारी चीज जो मैं बोल रहा हूं इसको आपको लिखनी है एज अ डेफिनेशन, क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पर अगर हमारे ज्यादा नंबर ऑफ ओएच आयंस हुए, ठीक है, तो वो हमारा कंसंट्रेटेड कहलाएगा। अगर हमने बोल दिया कि एक लीटर सॉल्यूशन में करीब 200 ओएच आयन आ गए हैं, ठीक है, और इसकी बात करें तो यहां पर 100 ओएच आयन आ गए हैं, तो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ, दोनों की कंपैरिजन में देखते हैं, तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ, मतलब नंबर ऑफ ओएच आयन जिसमें ज्यादा होंगे वो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन हमको रिस्पेक्टिव, हमें रिलेटिव देखना पड़ता है, रिलेटिव कंपेयर करना पड़ता है, लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हो, कम अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हो, तो उनको हम डाइल्यूटेड बोल देते हैं, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा हो, मतलब ओएच आयन, हम बेस की बात कर रहे हैं तो हम बेस की तरफ से हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ ओएच आयन ज्यादा हो और पानी का जो वॉल्यूम है वो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो, लगभग इक्वल हो या थोड़ा सा ज्यादा हो, तो फिर हमारे क्या हो जाएगा, हमारे क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेटेड हो जाएंगे, क्लियर। तो यहां क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ OH आयन इन सॉल्वेंट इज इन मैक्स अमाउंट, क्लियर। यहां पर सेम फॉर लेस अमाउंट, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी। अब देखो एक चीज नोट कर लेना, ये वॉटर सॉल्यूबल बेस, जो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं, ऐसे बेस हमारे अल्कली कहलाते हैं, कॉल्ड अल्कली, नोट कर लेना ये चीज,
वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, क्लियर। अब डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी, डिपेंडिंग ऑन एसिडिटी में नंबर ऑफ ये हमारे कई टाइप के होते हैं। जैसे हम बात करें मोनो एसिडिक, मोनो एसिडिक, क्लियर, डाई एसिडिक, डाई एसिडिक, ट्राई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, क्लियर वाली बात नहीं, सारी चीज नोट कर लो। मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस और ट्राई एसिडिक बेस, क्लियर। मोनो एसिडिक क्या होते हैं? जो OH आयन एक हो जिसके पास, जैसे हम बात करें NaOH, ये हमारा क्या हो गया LiOH, ये हमारा क्या हो गया मोनो एसिडिक। डाई एसिडिक में क्या हो जाएगा? जैसे हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, हम बात करें कैल्सियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारे क्या हो गए डाई एसिडिक, क्लियर। हम बात करें ट्राई एसिडिक की, एग्जांपल हो गया हमारा क्या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्लियर हो गया कि नहीं? ये हमारा क्या हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसको तोड़कर लिख लेना आप, इसी के नीचे तोड़कर लिख लेना। NaOH हमारा किस तरीके से टूट जाएगा? Na प्लस एक OH आयन दे रहा, तो हमारे क्या हो गए मोनो एसिडिक, क्लियर, मोनो एसिडिक। और सेम चीज फॉर MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, तो यहां पर क्या लेगा Mg2+, Mg2+ प्लस 2OH नेगेटिव, ये हमारे क्या हो गया डाई एसिडिक, क्लियर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या हो जाएगा Al3+ प्लस 3OH नेगेटिव, क्लियर, तो हमारे क्या हो गए ट्राई एसिडिक, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको क्या करनी है? नोट करनी है, क्लियर, ये सारी चीज आपको नोट करनी है, फटाफट इसको नोट कर लो, ये क्लियर होगा बोर्ड पे, ठीक है, इसको लिख लो जल्दी फटाफट। अब हम आते हैं आगे के पोर्शन पे, आगे के पोर्शन पे हम आते हैं, हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस की, बेस को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर करें, क्लियर हो रही बात नहीं? इसको जल्दी फटाफट नोट करो, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। पॉज करके आपको लिख लेना है एक एक चीज, हर बोर्ड का कोना कोना आपको लिखना है, सही से नोट्स बनाने हैं, सारी चीज काम आएंगी, ठीक है। और जो भी टॉपिक होते जा रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस बन पा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है, फिर बाद में के चक्कर में मत पढ़ना इसके, क्लियर। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रिपरेशन ऑफ बेस, प्रिपरेशन ऑफ बेस, बेस को हम प्रिपेयर करें, ठीक है, किस किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें, पहली बात हम करें मेटल को हमने रिएक्शन कराई किसके साथ, मेटल की रिएक्शन पानी के साथ, मेटल रिएक्ट विद वाटर, पहला मेटल रिएक्ट विद वाटर लिखते आना, मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल रिएक्ट विद वाटर में क्या करेंगे, जैसे हमने ले लिया कैल्शियम, तो कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर, कैल्शियम पानी से रिएक्ट हो जाता है, क्या बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस क्या बनाएगा हाइड्रोजन गैस। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? फटाफट नोट कर लो। सेम चीज हम बात करें पोटेशियम के बारे में, ये तो हमारा डाई पॉजिटिव हो गया, तो ये हमारा कैसा बनाएगा डाई एसिडिक, ये हमारा क्या बना देगा मोनो एसिडिक, ठीक है, KOH और हमारा H2 गैस निकल जाएगी, क्लियर हो रही बात नहीं? इसको अगर हम 2H2 कर देंगे तो यहां पर 2H2 हो जाएगा, OH देख लेना, बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं की मैंने रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस नहीं की यहां पर रिएक्शन, बैलेंस कर लेना, क्लियर हो रही बात नहीं? यहां पर अगर बात करें तो 2OH हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहां पर कितने 2H यहां पर आ गए, H2 वहां पर पहुंच गया, पहला तो बैलेंस हो गया। दूसरी की बात करें तो यहां पर क्या हो गया OH और यहां पर क्या करने हाफ H2, ये भी बैलेंस हो गया, क्लियर, समझ में आ गई बात नहीं? फटाफट रिएक्शन नोट करो, फटाफट रिएक्शन नोट करो।
हम सिंपल सी बात करें, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देख लो, हमें दूसरा बेस बनाना है, एक बेस से दूसरा बेस बनाना है, ठीक है। तो जैसे हमने अगर बात की कि हमने रिएक्शन करा दी एल्यूमिनियम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हमने रिएक्शन करा दी किसकी, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की NaOH से, तो आपको पता है कि ये थोड़ा सा जो Na है इसकी दोस्ती क्लोरीन के साथ ज्यादा है, क्योंकि NaCl हमारा मिलता है काफी अमाउंट में, तो ये तो NaCl हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। तो यहाँ बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर NaCl निकल जाएगा, क्लियर हो रही बात की नहीं, इसको तीन ले लो तो यहाँ पर कहते हैं तीन NaCl, क्लियर, थ्री NaCl, इतनी बात क्लियर है, बैलेंस कर सकते हो। यहां पर ये कौन से होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब हम NaOH हमारे पास है तो हम एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड ट्राइहाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम बना सकते हैं, क्लियर हो गई बात की नहीं। अब आपको ये भी पता है कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, क्लियर। तो आप मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसको नोट कर लो, ऊपर ही लिख दे रहे, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्लियर, जैसे CO2 N2O, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या बोला था मैंने, मेटल रिएक्ट विद किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं, इसकी मेटल्स की। तो अब हमने अगर ले लिया क्या, सोडियम ले ले, सोडियम तो रिएक्शन कर देगा नहीं करेगा, देखो लिथियम ले लिया हमने, लिथियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दी, क्या बन गया Li2O, लिथियम ऑक्साइड्स। देखो जिंक के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है इसकी, क्या बन जाता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, बेसिक हो जाएंगे, क्लियर हो रही बात की नहीं। सोडियम के साथ भी रिएक्शन करा सकते हो आप, सोडियम की जो हमने रिएक्शन बोली थी, तो क्या बन जाएगा Na2O, क्या बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। हम बात कर रहे एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की तो हमारा फिर M43 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गया, कैसे हो गए ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स हो गए, बेसिक, क्लियर, समझ में आ रही बात नहीं, नोट कर सकते हो आप, फटाफट नोट कर लो। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट की CaCO3 सबसे पहले चैप्टर में, तो क्या बन गया था कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है कि नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, बेस का फॉर्मेशन हो गया, ये हमारा बेस है, मेटल ऑक्साइड क्या है, हमारा बेस, क्लियर हो रही बात नहीं, समझ में आ रही बात। कॉपर कार्बोनेट CuCO3 भी कर सकते हो, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2, ये भी हमारा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी हमारा क्या हो गया, बेस मेटल ऑक्साइड, क्लियर। सेम चीज हम बात करें मैग्नीशियम, यहां पर लिख लो मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हम डिकम्पोज करें, मैग्नीशियम हीट ले लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हम डिकम्पोज करें तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये तो फरार हो जाएगी, क्लियर। तो इसको लिख लो, ये हमारा क्या बन गया, बेस बन गया, क्लियर। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आ रही बात, फटाफट नोट कर लो। कॉम्प्लेक्स में हम और भी ले सकते हैं, जो तो हमारा कार्बोनेट फॉर्म में हो गया, नाइट्रेट फॉर्म में भी हम ले सकते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में जैसे जिंक नाइट्रेट, क्लियर हो रही होगी बात, दिख रहा होगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, क्या बना देगा ये, ZnO बना देगा, जिंक ऑक्साइड, क्लियर, और क्या बना देगा, NO2, क्या बना देगा, ऑक्सीजन। तो ये हमारा क्या हो गया, बेसिक, कैसा हो गया, बेसिक, क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर, नोट कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो, क्लियर हो गई बात, ओके, फटाफट नोट करो इसको। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, प्रेसिपिटेशन
वैसे ये हम इतनी रिएक्शन करा दे रहे कि एनसीईआरटी के ऊपर चली जाएगी आपकी। एनसीईआरटी में बहुत सी रिएक्शंस है नहीं, बहुत कम ही पढ़ाते हैं उसको, कम ही बताते हैं। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को सही तरीके से मिल जाएगा, मतलब आप टेंथ का जो कवर कर रहे हैं टेंथ के बेसिस पे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप दे सकते हो। क्लियर? ये जो हम बता रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हम बात करें कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई। सोडियम हाइड्रोक्साइड हर लोगों के लिए काम आ जाता है, जैसे अभी एल्युमिनियम की रिएक्शन कराई थी, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की, तो एल्युमिनियम ने भी इसकी हेल्प से बना लिया था, है ना, बेस। क्लियर? कॉपर भी बना लेगा, कॉपर हमारा क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, है ना, कॉपर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, और क्या बन जाएगा, Na2SO4, Na2SO4, क्लियर, Na2SO4 बन जाएगा। क्लियर हुई बात की नहीं? ध्यान रखना, देखो एक चीज देखना, ये मत कहना सर ये तो कॉपर हमारा डिस्प्लेस नहीं करेगा, कॉपर नहीं कर रहा, सोडियम कर रहा है, सोडियम रिएक्ट करेगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट बन जाएगा यहां पर, PPT प्रेसिपिटेट। क्लियर? सोडियम रिएक्ट कर रहा, सोडियम डिस्प्लेस करेगा इसको, ये नहीं करेगा क्योंकि ये तो हमारा कैसा है, नोबल मेटल। क्लियर हुई बात की नहीं? फटाफट नोट कर लो इसको, समझ में आई बात? हाँ, अब हम आगे और चीज में देखेंगे कुछ इसकी, ये हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है, किस तरीके से हमें देखनी है, प्रिपरेशन हो गई, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में और देख लेंगे हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमको कुछ चीजें देखनी है,